नमस्कार, मनी नाइन के खास बुलेटिन मनी टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। इस खास बुलेटिन में हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की वो खबरें जो डालती हैं सीधे आपकी जेब और आपके जीवन पर असर। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बढ़ी हुई महंगाई की। जी हाँ, होली से पहले और गहरा हो गया है महंगाई का रंग। एचयूएल ने एक बार फिर से कीमतें बढ़ाई हैं। होली से पहले महंगाई का रंग और गाढ़ा हो गया है। सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने कुछ उत्पादों के दाम 2% से लेकर 17% तक बढ़ा दिए हैं। एचयूएल ने डिटर्जेंट, बाथ सोप, सूप नूडल्स के दाम बढ़ाए हैं। इससे पहले कंपनी ने कॉफ़ी के दाम भी बढ़ाए थे। फरवरी में 2 बार और नवंबर में 1 बार कीमत कंपनी पहले ही बढ़ा चुकी है। नई बढ़ोतरी के बाद सर्फ एक्सल का आधा किलो के पैक की कीमत 115 रुपये होगी, जो पहले 110 रुपये थी। इसी प्रकार रिन पाउडर के 2 किलोग्राम पैक की कीमत 150 रुपये से बढ़कर 176 रुपये हो गई है। लक्स साबुन भी महंगा हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूस यूक्रेन की लड़ाई का भारत पर क्या बुरा असर पड़ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई का असर भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। इसे देखते हुए रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि अनुमान को 9.5% से घटाकर 9.1% कर दिया है। मूडीज का कहना है कि ईंधन महंगा होने और उर्वरक आयात बिल बढ़ने से सरकार का पूंजीगत व्यय सीमित हो सकता है। मूडीज ने यह भी कहा कि भारत खासतौर से तेल की अधिक कीमतों के प्रति संवेदनशील है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चूंकि भारत में अनाज का उत्पादन अधिक है, इसलिए कीमतों में बढ़ोतरी से अल्पावधि में कृषि निर्यात को लाभ होगा। मूडीज का यह भी कहना है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से वैश्विक आर्थिक वृद्धि को नुकसान पहुंच सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स की। जी हाँ, नेटफ्लिक्स देखने वालों के लिए अब एक नया प्राइसिंग मॉडल आने वाला है। नेटफ्लिक्स अपने सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाने के लिए पासवर्ड शेयरिंग पर रोक लगाने की योजना पर काम कर रहा है। कंपनी अपना पासवर्ड दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करने वाले यूजर्स से अतिरिक्त चार्ज वसूलेगी। नए प्लान के मुताबिक मेन अकाउंट ओनर को एक ईमेल भेजा जाएगा जिसमें एक कोड होगा। इस कोड की मदद से ही नया सब अकाउंट बनेगा। यूजर्स इस कोड का उपयोग करके ही अपने परिवार में अतिरिक्त डिवाइस को वेरीफाई कर पाएगा। इसके लिए नेटफ्लिक्स ने चुनिंदा बाजारों में 2 नए फीचर्स की टेस्टिंग शुरू की है, जहां यूजर्स को अपने घर के बाहर अन्य लोगों के साथ अपना पासवर्ड शेयर करने के लिए अतिरिक्त $2 से $3 का भुगतान करना होगा। इसकी शुरुआत फिलहाल चिली और पेरू में की गई है। परीक्षण के बाद इस मॉडल को पूरी दुनिया में लागू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और आपको बता दें कि अपराधियों का बचना अब मुश्किल होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी इसके लिए दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कैदियों की पहचान संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी मिल गई है। इस विधेयक में अपराध के मामले में गिरफ्तार और दोष सिद्ध अपराधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित कैदियों की पहचान विधेयक के माध्यम से वर्ष 1920 के कैदियों की पहचान संबंधी कानून को बदलने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत साल 1920 के कैदियों की पहचान संबंधी कानून को समाप्त किया जाएगा। मसौदा विधेयक में दोषियों और अपराधियों के मामले में गिरफ्तार लोगों के विभिन्न प्रकार के ब्यौरा एकत्र करने की अनुमति देने की बात कही गई है। इसमें अंगुली एवं हथेली की छाप या प्रिंट, पैरों की छाप, फोटो, आंखों की पुतली, रेटिना, लिखावट के नमूने आदि शामिल किए गए हैं। अपराधियों का अधिक से अधिक ब्यौरा मिलने से दोष सिद्धि दर में वृद्धि होगी और जांचकर्ताओं को अपराधियों को पकड़ने में भी सुविधा होगी। अब दूसरे देशों में रजिस्टर्ड वाहन चल सकेंगे भारतीय सड़कों पर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दूसरे देशों में पंजीकृत निजी वाहनों के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने या चलने को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने कहा कि अंतर्देशीय व्यक्तिगत वाहन नियमों के तहत भारतीय क्षेत्र में चलने वाले वाहन के पास एक वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। अधिसूचना के मुताबिक वाहन का एक वैध बीमा और अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट होना चाहिए। यदि दस्तावेज अंग्रेजी के अलावा किसी दूसरी भाषा में है तो उसकी अंग्रेजी में अनुवादित प्रमाणित प्रति जरूरी है। साथ में मूल दस्तावेज भी जरूरी है। अधिसूचना के मुताबिक भारत के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत मोटर वाहनों को भारत की सीमा में स्थानीय यात्रियों और सामान को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। इस साल देश का निर्यात लक्ष्य पूरा होगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश से वस्तुओं का निर्यात चालू वित्त वर्ष में 14 मार्च तक $390 अरब के आंकड़े के पार पहुंच गया है। इस लिहाज से देखा जाए तो वित्त वर्ष 2021-22 में $400 अरब का निर्यात लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद भी मजबूत हो गई है। ये पहली बार हुआ है जब वाहन कलपुर्जा उद्योग ने $60 करोड़ का व्यापार अधिशेष हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं और एक और अच्छी खबर आपको सुनाते हैं। होली से पहले बाजार में एक नया किफ़ायती फ़ोन आने जा रहा है। जी हाँ, स्मार्टफोन ब्रांड रेडमी ने होली से एक दिन पहले गुरुवार को एक नया किफ़ायती स्मार्टफोन रेडमी 10 को लॉन्च किया है। ये फ़ोन 2 वेरिएंट, 4GB प्लस 64GB और 6GB प्लस 128GB में आएगा और इनकी कीमत 10,999 रुपये और 12,999 रुपये होगी।
इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट, 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं। फ़ोन में 6000 एमएच की बैटरी है और ये 18 वाट चार्जर के साथ आता है। इसमें 6.71 इंच का HD डिस्प्ले भी है। Redmi 10 की सेल आपको बता दें कि 24 मार्च से शुरू हो जाएगी। और एक और अच्छी खबर, अगर आप लग्जरी कार की चाहत रखते हैं तो उनके लिए एक बुरी खबर आ रही है। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने 1 अप्रैल से अपने सभी मॉडल के दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी है। ये मूल्य वृद्धि 3% तक होगी। कंपनी का कहना है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने से पड़ने वाले असर को कम करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। अगले महीने से मर्सिडीज की कारें 50,000 रुपये से लेकर 5,00,000 रुपये तक महंगी हो जाएंगी। 1 अप्रैल से A200 लिमोजिन की कीमत 42,00,000 रुपये से शुरू होगी। GLA 200 की शुरुआती कीमत 45,00,000 से, GLC 200 की कीमत 62,00,000 रुपये से शुरू होगी। चलिए अब जानते हैं क्या कुछ चल रहा है स्टार्टअप की दुनिया में, स्टार्टअप हलचल में। आपको बता दें, हेल्थ बेनिफिट स्टार्टअप एकिन केयर ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में 114 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस राउंड में हेल्थ क्वाड और साबरे पार्टनर्स ने भाग लिया। एकिन केयर कर्मचारियों और उनके परिवार की जरूरतों के मुताबिक हेल्थ बेनिफिट उपलब्ध कराती है। हार्मफुल मिस इन्फॉर्मेशन से निपटने के लिए एडवांस AI का उपयोग करने वाली टेक्नोलॉजी कंपनी लॉजिकली ने $2.4 करोड़ की राशि जुटाई है। इस राउंड में अमेजन अलेक्सा फंड और मौजूदा सीड इन्वेस्टर्स XTX वेंचर्स और NPIF ने भाग लिया। ड्रोन टेक स्टार्टअप आरव अनमैंड सिस्टम यानी कि AUS अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ग्रिप के साथ 3.75 करोड़ रुपए की लीज फाइनेंसिंग डील की है। इस डील के साथ ही भारत में ड्रोन इकोसिस्टम में रिटेल निवेशकों के लिए निवेश करने का रास्ता बनेगा। अब बात कर लेते हैं IPO अपडेट की। क्लोदिंग और फर्नीचर रिटेलर फैब इंडिया अपना IPO लाने की तैयारी में जुटी हुई है। कंपनी ने कहा कि इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस क्राइटेरिया पर फोकस्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए उसका आरंभिक सार्वजनिक निर्गम एक अच्छा अवसर होगा। कंपनी कारीगरों और किसानों के साथ मिलकर काम करती है। IPO लाने की योजना बना रही इंटरनेट कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो ने होली की सेल के दौरान 1.4 करोड़ के ऑर्डर हासिल किए हैं। इस सेल का आयोजन 4 से 6 मार्च के बीच किया गया था। इसके साथ ही मीशो ने पिछले साल दिवाली सेल के दौरान मिले ऑर्डर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मीशो में जापान के सॉफ्ट बैंक ने निवेश किया है। फिलहाल मनी टाइम को यहीं समेटते हैं और आपको चलते चलते छोड़ जाते हैं हमारे खास इन्फोग्राफिक्स के साथ। लेकिन आप सभी दर्शकों को मनी नाइन की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये होली आप सबके लिए बहुत शुभ हो। नमस्कार।